दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रसिया और भारत दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने भारत के लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस हफ्ते वो भारत आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है? यूक्रेन को पता है कि भारत और रसिया परम मित्र हैं, तो फिर यूक्रेन भारत क्यों आ रहा है? यूक्रेन आखिर चाहता क्या है? क्या यूक्रेन ये चाहता है कि हम रसिया से बोले कि अब वॉर को खत्म कर दो? आखिर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भारत क्यों आना चाहते हैं? तो समझेंगे कि ऐसे सिचुएशन में भारत क्या करेगा। देखिए, भारत में अतिथि देवो भव है, हम मेहमानों की स्वागत करेंगे, बहुत अच्छी स्वागत करेंगे। अब डिपेंड करता है कि हम यूक्रेन की मदद किस प्रकार करेंगे, क्योंकि रसिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम धोखा वोखा तो देने वाले हैं नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। बाकी यूक्रेन की मदद कैसे करें, क्योंकि अगर हम उनकी मदद करते हैं तो रसिया गुस्सा जाएगा, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली है। ऐसे सिचुएशन में भारत क्या करेगा, भारत का सब्सटेंस क्या होगा? चलिए सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्यों वो भारत आना चाहते हैं और भारत क्या करेगा। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं हूं विकास। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये छोटा सा क्लिप देखिए, क्योंकि आज के टाइम में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भारत आना चाहते हैं और उन्होंने कैसे भारतीय लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। टुडे इंडिया सेलिब्रेट्स होली, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल स्प्रिंग होलीडे। आई वांट टू विश एवरीवन ए हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। स्टैंडिंग हियर इन कीव इन फ्रंट ऑफ महात्मा गांधीज मॉन्यूमेंट, I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. A few days ago, President Zelensky spoke with Prime Minister Modi. My visit will further strengthen our relations. Ukraine and India are two big democracies. I'm certain we are set to be good partners and friends. Mohandas Karamchand Gandhi, the great Mahatma, was one of the most prominent figures of the 20th century. His ideal and final goal of freedom and independence. And this is exactly what Ukrainians are fighting for today, freedom and independence. When Mahatma began his struggle, there were very few optimists who believed in him. But he persisted and achieved his high goals. His life remains an inspiration for the whole world. When Ukraine faced Russia's full-scale invasion 2 years ago, very few people believed we would survive. But we persisted, and we will succeed in defending our freedom and independence. According to Gandhi, the future depends on what we do in the present. Hence, supporting Ukraine today means supporting freedom and independence, supporting the legacy of the great Mahatma. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. गाइस, ये वीडियो बहुत ही शॉकिंग टाइप का है। इस वीडियो से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के नजर में भारत की क्या वैल्यू है। यूक्रेन को पता है बिना भारत के हम इस वॉर को नहीं जीत सकते हैं और ना ही इस वॉर को रोक सकते हैं। क्योंकि गाइस, आपको बता दें कि जब रशिया ने ठान लिया था कि हम यूक्रेन पर न्यूक्लियर वॉर करेंगे, तो भारत और चाइना ने मिलकर के ही इसे रोका था, और ये बात यूक्रेन ने खुद बोला है। तो इस बात से भारत के पावर का पता चलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था ना, आप खुद सुनिए ये वाला वीडियो। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो भारतीय स्टूडेंट सिर्फ भारत का झंडा दिखा देते थे और उनको कुछ नहीं करना पड़ता था और उनके लिए रास्ता खाली कर दिया जाता था कि आप जा सकते हैं। नाउ, इस वीडियो में इन्होंने होली की शुभकामनाएं दी, काफी अच्छा लगा देख करके। लेकिन आपने इस वीडियो में गौर किया होगा, इन्होंने गांधी जी को लेकर के बहुत सारा चीज बताया, और मेरे को भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारत के गांधी जी को अपने यूक्रेन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे इसके पहले भी यूक्रेन ने भारत का वेलकम किया है कि आप हमारे देश में आइए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कीजिए, यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि हम रशिया के साथ हैं। देखिए, भारत वॉर के खिलाफ है लेकिन रशिया हमारा मित्र भी है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, और न्यूट्रल रह करके हमने पूरे दुनिया को ऑयल क्राइसिस से बचाया है। अगर हमने रशिया से ऑयल लेकर के लंदन वगैरह यूरोपियन कंट्री को नहीं बेचा होता तो वहाँ पर एक ऑयल क्राइसिस होता, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ठप हो जाती। इसके अलावा अगर सिर्फ एक देश ऑयल का प्रोडक्शन करता तो ऑयल का प्राइस भी ज्यादा बढ़ जाता और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो लड़खड़ा जाती। तो उसमें भी भारत ने मदद किया है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम भारत और यूक्रेन के रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी भारत में इलेक्शन चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का भारत आना ये अपने आप में खास है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये बात कहा कि भारत के स्टूडेंट सिर्फ भारत का झंडा दिखा देते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, उन्हें पास कर दिया जाता था, इन्हें भारत जाने दो, इस चीज को लेकर के ध्रुव राठी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रोस्ट किया। लेकिन अब मैं ध्रुव राठी से सवाल कर रहा हूँ, अब वो क्या कहना चाहेंगे? यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि वो भारत आना चाहते हैं। चलो, ध्रुव राठी की दृष्टि में मोदी गलत हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं भारत आना
करना चाहते हैं, भारत से मदद मांगना चाहते हैं, उनको पता है कि भारत वॉर रुकवा सकता है। यूक्रेन के द्वारा खुद कहा गया है कि चाइना और भारत की वजह से रूस ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया। ध्रुव राठी खुद इटली में रहते हैं, उनको क्या पता होगा कि भारत का पावर क्या है। यूक्रेन ने इस टाइप का कमेंट, इस टाइप का वीडियो किसी के लिए नहीं बनाया है, जिस तरह से उसने भारत के लिए बनाया है, जिस तरह से उन्होंने भारत के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी, यूक्रेन ने आज तक ऐसा किसी देश के लिए नहीं किया है, बहुत ही कम। जबकि ये जानते हुए कि भारत रशिया का मित्र है, यूक्रेन ये भी चाह रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन से लौट करके भारत आ गए थे वो फिर से भारत में आए पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वॉर खत्म होगा। वॉर खत्म कब होगा? तो स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग होने वाली है पीस को लेकर के, शांति को लेकर के, और यूक्रेन चाहता है कि भारत उस मीटिंग में यूक्रेन को सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो भी मीटिंग होगा इसमें सारे देश के प्रतिनिधित्व आएंगे, लेकिन अगर रशिया को ही नहीं बुलाया जाएगा तो फिर वॉर कैसे रुकेगा? जिसके बीच में वॉर हो रहा है वो दोनों आपस में बैठ करके जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो ये वॉर खत्म होने वाला नहीं है ना। यहाँ पर भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, क्योंकि भारत रशिया का मित्र है, तो भारत बात कर सकता है रूस से। बाकी इंडिया का सब्सटेंस क्या होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा। और भारत सरकार अभी भारत के स्टूडेंट को यूक्रेन जाने की सलाह नहीं देने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में अभी वॉर रुका नहीं है। वॉर अगर रुक भी जाएगा तो वहाँ के जो भी कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, काफी टाइम लगेगा यूक्रेन को बाहर निकलने में। हाँ, यूक्रेन यहाँ पर मदद मांग सकता है कि आप हमारी मदद कीजिए, पैसा दीजिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है उसे बिल्डअप करने में हमारी मदद कीजिए। अब सवाल है कि भारत किन किन चीजों को लेकर के कोऑपरेट करता है यूक्रेन के साथ, ये आने वाले टाइम में दिखेगा जब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भारत आएंगे। कई जहाँ तक मुझे लगता है हम लोग यूक्रेन रशिया दोनों में बैलेंस बना करके चलेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, न रशिया को ज्यादा प्रॉब्लम हो न यूक्रेन हमसे गुस्सा हो। और जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से रूस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूस से हमारी इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, तो रूस के पक्ष में रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, वॉर ना हो, वॉर रुक जाए, शांति हो, इस चीज में हमारा काफी ज्यादा फोकस होगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें रशिया के साथ देना चाहिए, या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, या फिर हमें रशिया से बात करना चाहिए कि वॉर को खत्म कर दे, शांति लाए? आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।